जब स्टूडेंट थे और उसके बाद यंग थे, तो गांधी की आलोचना करना जैसे कोई एक ज़रूरी चीज़ होता था ना, और हर चीज़ का ठीकरा जो है आप गांधी पर फोड़ देते थे। लेकिन चीज़ों को देखकर और देश आज जहां पहुंचा दिया गया है उसको देखकर लगता है कि गांधी बहुत प्रासंगिक और बहुत रेलिवेंट हैं आज भी। और एक चीज़ जिसको हम में से बहुत सारे लोग भूल जाते हैं कि 1917 का इनकलाब होता है, जिसमें सबसे पहले जो सैकड़ों साल से जो व्यवस्था, हज़ारों साल से व्यवस्था चली आ रही है, उसका एक विकल्प आता है और वो एक रेवोल्यूशन कहलाता है, लेनिन के नेतृत्व में रेवोल्यूशन होता है। उसी के बराबर का मास मोबिलाइजेशन 1920 में गांधी करा पाते हैं। ये अपने आप में कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यानी अगर आप दुनिया जो 20वीं शताब्दी या 19वीं शताब्दी का इतिहास देखें, 1857 के बाद अपना देश का देखें, तो एक आदमी जो उसका कैटलिस्ट बन जाता है सब लोगों को लाने का, हिंदू मुसलमान सिख सबको ले आने का जो करता है, तो ये गांधी का कोई छोटा मोटा रोल तो नहीं था। और वो जनता की नब्ज़ पर उनकी हाथ उनका हाथ था। और कितने कंट्राडिक्ट्री ट्रेंड्स को वो एक साथ ले आ सकते थे। ही कुड गैदर देम अंडर वन अम्ब्रेला। दैट्स हाउ कांग्रेस ऑल्सो केम टू बी नोन, कि एक अम्ब्रेला है जो इसके नीचे आ गया वो हमारे साथ है। तो ये कोई छोटी मोटी बात तो थी नहीं। आज जो हिंदुत्वादी राजनीति का उभार है, और सच्ची बात यह है कि जो लोग ये कहते हैं कि हम हिंदू नेशनलिस्ट, आज जो हुक्मरान हैं, आज जो रूलर्स हैं, जो आरएसएस बीजेपी के बहुत सारे रूलर्स, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो या दूसरे, वो ये कहते हैं हम हिंदू नेशनलिस्ट हैं। और आपको शर्म आएगी ये जानकर और दुख होगा कि जिन्होंने गांधी जी की हत्या की थी उन्होंने भी यही कहा कि हम हिंदू नेशनलिस्ट हैं, और उन्होंने कहा कि हम हिंदुत्वादी राजनीति में विश्वास करते हैं। और ये सारे के सारे वही कहते हैं कि हम हिंदुत्वादी राजनीति, हम भारत के सेकुलर डेमोक्रेटिक ढांचे में विश्वास नहीं करते, हम तो हिंदुत्वादी राजनीति करना चाहते हैं। और बड़ी बदकिस्मती की बात कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने अपनी भाषण ख़त्म किया कि वो गांधी जी और दीनदयाल उपाध्याय के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। भाई, इससे बड़ा बलात्कार कोई नहीं हो सकता है। यानी गांधी जो ये कहते थे कि गांधी बहुत ज़बरदस्त धार्मिक आदमी थे, है ना, लेकिन गांधी ये कहते थे कि किसी एक धर्म का नहीं है। गांधी हिंदू धर्म में ये मानते थे कि जातिवाद उसका हिस्सा है, लेकिन वो जातिवाद के खिलाफ और कास्टिज्म के खिलाफ और अनटचेबिलिटी के खिलाफ ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी उन्होंने जी। और वो प्रजातंत्र में बड़ा ज़बरदस्त विश्वास करते थे। दीनदयाल उपाध्याय जो ये जिन्होंने 1937 में होल टाइमर बन गए आरएसएस के, फ्रीडम स्ट्रगल में एक मिनट की उन्होंने हिस्सेदारी नहीं की। हमारे यहाँ तो कहावत है ना कि उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवाना, उन्हें तो नाखून नहीं कटवाया। और वही नहीं, गोलवालकर हेडगवार, एलके अडवाणी 1942 में आरएसएस के होल टाइमर बन जाते हैं, कोई हिस्सेदारी नहीं की। वो कहते हैं कि कास्टिज्म जो है, कास्टिज्म इंडियन नेशनलिज्म का सबसे बुनियादी हिस्सा है। वो कहते हैं कास्टिज्म जो है, और कैस्टिज्म के साथ जुड़ा हुआ छुआछूत है कि आपको जो काम दिया गया है वो काम करेंगे। और उन्होंने कैस्टिज्म का नाम बदल कर उन्होंने कह दिया स्वधर्म। स्वधर्म है आपको, आप जिसमें पैदा हुए हैं जो काम कर रहे हैं आप उसी को करेंगे। अब आप उसको गांधी के साथ रख रहे हैं, और आप उसके बाद मुसलमानों से नफरत करते हैं। वो ये कहते हैं कि मुसलमान एक पेरिनियल समस्या है, एक लगातार चलने वाली समस्या है 1200 साल से। अब ये 1200 साल भी उन्होंने कैसे तय किया पता नहीं, 12 साल की प्रेगनेंस। और इनको आपने प्योरीफाई करना होगा, ये जो घर वापसी है ना, ये प्योरीफाई है, प्योरीफिकेशन, ये आइडिया ही उनका दिया। अब आप इसको गांधी के बराबर रख रहे हैं, रोना आने लगता है भाई साहब, रोना आने लगता है कि ये क्या दिन है। और सचमुच में अगर आत्माएं होती तो गांधी जी की आत्मा आके ना इनको सोने नहीं देती रात को, पर मुझे लगता है कि आत्मा आत्मा नहीं है, नहीं तो गांधी जी परेशान होकर निकल आते। बहुत बुरा होता है। लेकिन गांधी जो कहते थे, देखिए, और बहुत सारी चीज़ें कि पंक्ति में जो सबसे आखिर में आदमी खड़ा है वो लड़ाई, हालांकि वो लड़ाई और वो बात जो है वो सब भूल गए, कांग्रेस भी भूल गए। और ये तो इनइक्वलिटी में विश्वास ही करते हैं। आरएसएस की दुकानों पर साहित्य बिक रहा है जिसमें कहा गया है कि आप औरत को मार पीट सकते हैं। हाँ, मार पीट कर सकते हैं, क्योंकि
मारपीट से उसके पिछले जन्मों के जो कुकर्म हैं वो धुल जा रहे हैं। गांधी जी पूरे हिंदुवादी होने के बावजूद गांधी जी औरत की बराबरी और उसमें जो विश्वास करते थे। और सबसे पंक्ति में जो सबसे आदमी खड़ा है, और गांधी जी के जो किस्से हैं कि अगर वो कुछ काम खुद नहीं करते थे तो किसी को उसका सजेशन भी नहीं देते थे। गांधी को हम दो वजहों से कभी भी नहीं भुला पाएंगे। एक तो है कि जो धार्मिक कट्टरता की राजनीति, जो धर्म का नाम लेके राजनीति को कंट्रोल करना चाहती है, आज गांधी की बहुत याद आएगी, हमेशा याद रहेगा। दूसरा है औरतों के खिलाफ हिंसा का, जो हमारा देश विश्व राजधानी बन गया है उसके खिलाफ गांधी जी की समझ, गांधी जी की सोच और औरतों को राजनीति में ले आना, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो गांधी जी को कभी भी अप्रासंगिक नहीं होने देगी।